नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी चिली चिकन। तो चलिए देखते हैं कि मैं चिली चिकन किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन को पहले अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक हाफ कप में यहाँ पर कॉर्नफ्लोर दूंगी और हाफ कप में यहाँ पर मैदा यूज़ करूँगी। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, रंग अच्छा आने के लिए मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून में रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी थोड़ा सा तीखापन के लिए। और 1/2 टीस्पून में यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। और 1 चम्मच में यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। आधे घंटे के लिए इस मैरिनेशन को हमें रख देना है। उसके बाद बिल्कुल पानी नहीं आपको ऐड करना है, क्योंकि चिकन में खुद का एक अलग सा एक जो है उसमें पानी रह जाता है। सो इसलिए आपको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी हाफ एन आवर के बाद। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब मैं जो चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, दोनों साइड से अच्छे से तल जाएगा। उसके बाद मैं इसका ग्रेवी रेडी करूँगी। तो पहले चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, चिली चिकन के लिए काफ़ी लोग जो है बहुत छोटे साइज़ के चिकन यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के चिकन बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। मीडियम साइज़ का चिकन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इसी तरीके से पसंद है। अगर आपको छोटे साइज़ के पसंद है तो आप उस तरीके से बना सकते हो इसे। तो अब मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो प्याज को मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 प्याज जो है उसे अच्छे बड़े बड़े साइज में कट कर लिए हैं। ग्रीन कैप्सिकम दिया है और येलो कलर का वेल पेपर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। देखिए, चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल कलर बहुत बढ़िया आया है। अब हम इसको अलग से एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए, अलग से मैंने एक बोल में निकाल लिया है। उसके बाद अब मैं इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ग्रेवी के लिए मैं क्या कर रही हूँ। जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया है उसी ऑयल में मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। ये जैसे ही थोड़ा सा भून जाता है ज़ीरा, उसके बाद हम एक एक करके सब चीज़ ऐड करेंगे। जो वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर कट करके रखे थे, प्याज, फिर कैप्सिकम और येलो बेल पेपर, तो ये मैं उसको एक साथ ही पूरा ऐड करूँगी। ऐड करके जस्ट थोड़ा सा ही फ्राई करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। करीबन 1 मिनट से भी थोड़ा कम हमें इसे फ्राई करना होगा। जस्ट थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे और एकदम धीमी आँच में ये करेंगे। उसके बाद फ्राई करने के बाद हम इसमें जो पेस्ट किया है हमने, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने यहाँ पर रेडी किया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके अब हम थोड़ा 1 मिनट और 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए पहले चला लेते हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं एकदम धीमी आँच में। बिल्कुल आपको जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई नहीं करना है, धीमी आँच में इसे इसी तरीके से 1 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया है, थोड़ा सा ही, बस 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर मैंने यहाँ यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है स्वाद अनुसार। अब हम इसको थोड़ा सा और चला लेंगे 30 सेकेंड्स के लिए बस। अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 टीस्पून हम यहाँ पर विनेगर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून यहाँ पर हम जो है वो टोमेटो सॉस यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये भी करीबन 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर यूज करेंगे रेड चिली सॉस। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, बिल्कुल हाफ कप जो है वाटर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपको और थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 1 कप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इस पानी में थोड़ा सा ही उबाल आता है तो हम इसमें चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक के एकदम लो फ्लेम में हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये चिकन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उससे पहले मैंने यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ किया है, थोड़ा सा रंग आने के लिए। जस्ट हमने थोड़ा सा ही यूज़ किया है। अगर आपको तीखा जो है वो कम पसंद है तो आप यहाँ पर इसे नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। ऐड करके मैं इसका गैस जो है वो मैं ऑफ कर दूंगी और ये चिली चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप फ्राई राइस के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। देखिए चिली चिकन बिल्कुल रेडी है। आज बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।